हाय गाइस, दिस इज वीवू और आप मुझे देख रहे हो इंडिया रेस पर। गाइस, बहुत दिनों से इंतजार था इलीट आई ट्वेंटी कहना ज्यादा प्रेफर करूंगा। इलीट वर्ड जो है वो हट गया है, बट वो हट तो गया है, बट ऐसा लगता है इसकी प्राइसिंग के साथ में उसे वापस चिपका देना चाहिए। अगर ह्यूंडई नहीं चिपका रही तो मैं तो पर्सनली इलीट अब लगाना प्रेफर करूंगा, क्योंकि जिस तरीके की प्राइसिंग आई है मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ प्राइसिंग से। जस्टिफाइबल शायद मुझे नहीं लग रही है। इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि बहुत सारी चीजें, जैसे कि प्राइसिंग आपको पता चलने वाली है, आपको ये भी पता चलने वाला है कि किस किस इंजन ऑप्शंस के साथ में या कौन कौन से वेरिएंट में कौन कौन से इंजन ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप बस बने रहिए मेरे साथ में। इनकेस अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए आता रहता हूं सारी ऑटोमोबाइल्स जुड़ी हुई, और ताकि आप भी कुछ मिस आउट ना करें ऐसे में आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल यहां पर दबा सकते हैं ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचते रहे। गाइस देखो, जो प्राइसिंग है वो आई है, अभी मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। ये फोर्थ जनरेशन इलीट आई ट्वेंटी है। इलीट मैं खुद से लगा देता हूँ दोबारा से, तो ये फोर्थ जनरेशन इलीट आई20 है। और पहली जनरेशन जो थी वो तकरीबन 2008 के आसपास आई थी, तब जैज भी आया करती थी, और ये बहुत ही ज़्यादा प्राइसी रखी गई थी। प्रीमियम हैचबैक की शुरुआत उस दौर में जो है वो हो रही थी। अब इलीट आई20 जब आई थी उस दौरान तो प्राइसिंग ज़्यादा थी, लोगों को बहुत ज़्यादा प्राइसी लगी, और यही रीज़न था कि वो बहुत ज़्यादा बिकी नहीं। इससे पहले भी एक ह्यूंडई का प्रोडक्ट आया था, उन्होंने प्रीमियम थोड़ा लॉन्च करने की कोशिश की गई थी, ह्यूंडई गेट्स, अगर आपको याद हो, तो वो भी थोड़ी सी प्रीमियम थी, बट वो प्रीमियम हैचबैक नहीं कहलाती थी, वो स्विफ्ट के कैटेगरी में आने वाली गाड़ी थी। तब भी जो है वो आई20 इतनी ज़्यादा नहीं बिकती थी बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग। फिर धीरे धीरे कॉम्पिटिशन बढ़ने लगे, बलिनो आ गई, जैज की नई जनरेशन आ गई, इसकी नई जनरेशन आ गई, फिर एल्ट्रोज आ गई, पोलो वगैरह जो है वो आ गई थी। तो ऐसे में कॉम्पिटिशन बढ़ते हुए इसकी प्राइसिंग जो है वो थोड़ा सटल रखी गई। फिलहाल की जो जनरेशन थी वो 5.5 या 5.55 के आसपास एक शोरूम जो है वो कर रही थी। तो मेरे हिसाब से जो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइसिंग जा सकती थी वो मुझे एक्सपेक्ट कर रहा था मैं कि 5.85 तक जो है वो जस्टिफाइबल हो जाएगी, बट द prices of the base variant comes out to be 6.8 lakh rupees. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, ये महंगी रहेगी निसान किक से, ये महंगी होगी सोनेट से, महंगी होगी वेन्यू से, जो कि उनका अपना ही प्रोडक्ट है, कहीं ये कैनिबलिज्म ना हो जाए इस प्रोडक्ट का, और ये महंगी होगी आपकी लगभग, और ये बहुत सारी ऐसी गाड़ियों से महंगी होगी जो इसके सेगमेंट की नहीं है, अपर सेगमेंट की है, जिनमें से कॉम्पैक्ट सेडान्स हो गई। यहाँ पे सबसे महंगी कॉम्पैक्ट सेडान भी अभी भी इससे 50 से 60 हज़ार रुपये सस्ती फील करती है, जिस जो कि है होंडा अमेज ऑब्वियसली। एनीवे गाइस, अब प्राइसिंग कर लेते हैं। प्राइसिंग से पहले मैं आपको बता देता हूँ वेरियंट्स। तो वेरियंट्स जो है वो मैगना, स्पोर्ट्स, एस्टा एंड एस्टा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आएंगे। इनकेस आपको इन डेप्थ जो है वो वेरियंट्स जानने हैं तो मैं यहाँ पर आई कार्ड पर एक नई वीडियो डाल देता हूँ, उसके ऊपर मैंने सारे वेरियंट्स बताए थे और इंजन ऑप्शन बताए थे। मैग्ना में दो ऑप्शंस आएंगे, एक मैनुअल ट्रांसमिशन एंड एक आईबीटी, यानी कि सीवीटी का एक एडवांस ऑप्शन। मैग्ना जो है वो आपको कॉस्ट करेगा 6.79 लाख रुपीस एक्स शोरूम, और ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं गाइस, यानी कि 31 तारीख तक अगर आप इसको बुक करते हो तो ही आपको ये प्राइसिंग मिलने वाली है। चांसेस है कि इसके ऊपर 10,000 रुपए और बढ़ जाएं, तो ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस होते हैं। बहुत बार मैन्युफैक्चरर्स बढ़ाते ही हैं, घटाना मुझे नहीं लगता कि ह्यूंडई अभी घटाएगी इसके ऊपर कोई प्राइसेस, और घटाएगी तो जो वो लोग जो अभी खरीद रहे हैं उनके लिए फायदे का सौदा नहीं रहने वाला है, तो बढ़ाना ही मुझे चांसेस लग रहे हैं, कि क्योंकि उन्होंने इंट्रोडक्टरी यहाँ पर प्राइसेस बता दिए हैं। मैग्ना जो है वो प्राइस इतना कर रही है। अगर मैं स्पोर्ट्स की मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करूँ तो 7.59 लाख रुपीज़ जो है वो यहाँ पर कॉस्ट करेगी। इसी का अगर आप आईबीटी ले लेते हो स्पोर्ट्स का तो 8.59 लाख रुपीज़ जो है वो यहाँ पर कॉस्ट करने वाली है। अगर आप 1.2 का ही एस्टा ऑप्शनल प्रेफर करेंगे तो 8.69 लाख रुपीज़ एंड 9.69 लाख रुपीज़ सीवीटी में। एस्टा ऑप्शनल अगर आप यहाँ पर लोगे तो 9.19 लाख रुपीज़ आपको यहाँ पर कॉस्ट करती हुई नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं 1.0 लीटर के टर्बोचार्ज इंजन के साथ में, जो कि एक्चुअली मुझे भी फील हो रहा था कि थोड़ा सा प्राइसी जाएगी, क्योंकि उसके जो पावर फिगर्स हैं वो इस सेगमेंट में बेस्ट इन क्लास हैं। ये ट्रांसमिशन जो ऑफर किए जा रहे हैं वो बेस्ट इन क्लास थे, तो यहाँ पर प्राइसिंग जो है वो 8.59 लाख रुपीज़ स्पोर्ट्स ट्रिम में ये केवल आएगी और एक्स्ट्रा ट्रिम में आएगी, तो 8.59 लाख रुपीज़ जो है वो IMT वेरियंट के रखे जाएंगे। DCT स्पोर्ट्स वेरियंट में नहीं आएगी, DCT केवल और केवल एक्स्ट्रा ऑप्शन में आएगी।
गाइज अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंजन की, यानी कि 1.0 लीटर के टर्बोचार्ज इंजन में। ये तीन वेरिएंट में आएगी, स्पोर्ट्स, एस्टा एंड एस्टा ऑप्शनल। जो स्पोर्ट्स ट्रिम होगा उसमें आपको केवल IMT मिलेगा और प्राइसिंग होगी 8.79 लाख रुपीज। अगर आप एस्टा की तरफ बढ़ते हैं तो 9.89 लाख रुपीज इसके IMT वेरिएंट की एंड 10.66 लाख रुपीज इसके DCT वेरिएंट की प्राइसिंग जाने वाली है। अगर एस्टा ऑप्शनल की बात करूं तो 11.17 लाख रुपीज जो है वो उसकी कॉस्ट यहां पर जाएगी। गाइस अब बात कर लेते हैं इसके डीजल इंजन ऑप्शन की। जो इसका डीजल इंजन ऑप्शन है वो केवल मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको यहां पर ऑफर होगा। तो मैग्ना में प्राइसिंग जाएगी 8.19 लाख रुपीज, स्पोर्ट्स में प्राइसिंग जाएगी 8.99 लाख रुपीज एंड एस्टा ऑप्शनल में यहां पर प्राइसिंग जाएगी 10.59 लाख रुपीज, जो कि प्राइसिंग एक्चुअली हो जाती है एक फुल फ्लेश्ड क्रॉसओवर की। जो इसके टॉप वेरिएंट्स है ना वो फुल फ्लेश्ड क्रॉसओवर्स के मिड सेकेंडरी वेरिएंट्स के पास पास तक जो है वो कॉस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में एक प्रीमियम हैचबैक की तरफ शिफ्ट होना 11.19 लाख रुपीज की प्राइसिंग के साथ में, जो कि इसका टॉप ट्रिम है, मुझे लगता है थोड़ा सा नुकसान का सौदा है। आप सोनेट उठा सकते हैं, वेन्यू आपके पास ऑप्शन है, आपके पास में इतने सारे ऑप्शन उस दौरान हो जाते हैं जो कि अच्छे इंजन के साथ में भी आते हैं, इनफैक्ट सेम इंजन के साथ में आते हैं। इलीट I20 काफ़ी कॉस्टली मेरे हिसाब से तो रखी गई है और इसकी प्राइसिंग मेरे हिसाब से मैक्स मैं आपको बता रहा हूँ 6.99 लाख रुपीज़ जा सकती थी। इससे ऊपर जाना थोड़ा सा मुझे चौंका रही हैं चीज़ें। 40 से 45 हज़ार रुपये ये ज़रूर बलिनो से महंगी होनी चाहिए थी, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि बलिनो ऑलरेडी एक आउटडेटेड प्रोडक्ट है और एल्ट्रोज जो है वो आउटडेटेड तो नहीं है, अपडेटेड प्रोडक्ट है, बट उसके इंजन जिस तरीके से दिए गए हैं वो कुछ खास नहीं है, या फिर ट्रांसमिशन ऑप्शन जो है वो इतने ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन के बहुत सारे वेराइटीज़ यहाँ पर ऑफर होती हैं, इंजन की बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफर होती हैं, बट प्राइसिंग लिटरली मुझे थोड़ी जस्टिफाइबल नहीं लगी। सो गाइज मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, आपके क्या थॉट्स हैं प्राइसिंग को लेके और जल्दी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज चैनल को। अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ।